हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और आज है संडे का दिन, तो आज आपके सवालों के जवाब देने का दिन है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सवाल आया हुआ है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है इनको वो बता देता हूँ। ये एम्प्लॉई हैं, कहीं काम करते हैं, तो इनको सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह का बनाना है कि उसमें सीरियल नंबर हो, मोबाइल नंबर उन्होंने देने को बात बोला है, मोबाइल नंबर के आधार पर परचेजिंग होगी, फिर वहाँ पे एडवांस टोटल एडवांस अमाउंट यानी उनके खाते में सैलरी से ही कुछ इनकम जो है जमा हो जाती है और उसी के आधार पर उस पर्टिकुलर कंपनी के जो कैंटीन है वहाँ से वो खरीदारी करते हैं और फिर उसका सेलिंग रेट है, फिर परचेजिंग रेट कैंटीन को क्या पड़ता है और फिर कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ एडवांस से, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ये सब देखते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे आपको करना है क्लिक, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक। ऐसा सिनेरियो आएगा, यहाँ से व्यू पे चले जाइए, यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, फिलहाल यही रखता हूँ। ओके प्रेस किया मैंने, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आईडी दिख रही है आपको, यहाँ पर इन्होंने कहा है सीरियल नंबर, तो मैं यहाँ पे एस एन कर देता हूँ यानी सीरियल नंबर, और इसे मैं रख देता हूँ ऑटो नंबर। ऑटो नंबर रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है मोबाइल नंबर, तो ये दे दिया मैंने मोबाइल नंबर, जैसा सॉफ्टवेयर बोला था वैसा बिल्कुल बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर जो है शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लाइक ये हो गया। और यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल एडवांस अमाउंट, तो मतलब कुछ पैसे इनके खाते में जमा हो जाते हैं कैंटीन वाले और वहाँ से वो खरीदारी कर सकते हैं, बैग खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो टोटल एडवांस अमाउंट, एडवांस अमाउंट, ठीक है, तो टोटल एडवांस अमाउंट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंसी डेटा टाइप रख लेते हैं, तो ये करेंसी रख लिया और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट वैल्यू देखने को मिलेगी। तो सपोज कीजिए कि 10,000 रुपये, इनका कहना है 10,000, तो यहाँ पे 10,000 रुपये मैं यहाँ पे डिपॉजिट करवा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई वैल्यू टाइप नहीं करेंगे तो वो 10,000 अपने आप ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो टोटल एडवांस अमाउंट भी हो गया। अब यहाँ पे सेलिंग रेट की बात कर लेते हैं, तो ये कर लिया हमने सेलिंग रेट, मतलब किस रेट पे सेल हो रहा है, इसे भी हम रखेंगे करेंसी डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, करेंसी डेटा टाइप रखेंगे, ठीक है। सेलिंग रेट करेंसी डेटा टाइप हमने कर लिया, और यहाँ पे यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट इन्होंने दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं यूनिट कर देता हूँ, ठीक है। यूनिट मतलब एक खरीद रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, चार खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे यूनिट में आएंगी। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डेसिमल वैल्यू भी अप्लाई हो, तो डेसिमल वैल्यू के लिए यहाँ डबल कर देता हूँ इसको, और यहाँ से फिर यहाँ पे टोटल पे आएंगे, TOTAL टोटल, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो मैं चूंकि यूज कर रहा हूँ 2016, हम चाहे तो यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर जाकर के, और यहाँ पर आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज कर लीजिए, और यहाँ पर जब आएंगे तो आपको टोटल करने के लिए सेलिंग रेट इंटू यूनिट करना है, तो यहाँ पे लिखिए सेलिंग कुछ इस तरीके से और फिर आगे लिखिए रेट और इंटू यूनिट कर दीजिए, बस काम हो जाएगा आपका। ये देखिए यहाँ पे इंटू ये देखिए यूनिट कर दीजिए, तो ये यूनिट कर दिया हमने, बस काम हो जाएगा इतने से और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। तो ये टोटल तो कैलकुलेट हो गया हमारा, लेकिन अब हमें क्या करना है, परचेजिंग रेट हमें क्या पड़ रहा है, एक की प्राइस हमें क्या पड़ रही है, वो भी यहाँ पे देनी है। तो ये परचेजिंग कर देना है, परचेजिंग रेट फॉर अस, तो ये कर दिया कुछ इस तरीके से, ओके। तो परचेजिंग रेट फॉर अस हमें कितना पड़ रहा है वो चीज यहाँ पे देनी है आपको। तो उसके लिए आप क्या करिए, करेंसी डेटा टाइप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो परचेजिंग रेट सेलिंग रेट से कम होगी, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा, इसके पीछे कहानी मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको डिजाइन व्यू पे लेके। ये देखिए यहाँ पर जो टोटल डिडक्टेड फ्रॉम एडवांस ये हमें कैलकुलेट करना था, तो ये हमने कैलकुलेट किया है, और इसको कैलकुलेट कैसे किया है ये देखिए, यहाँ पर जूम व्यू पे लेके दिखाता हूँ, टोटल एडवांस अमाउंट में से टोटल को माइनस कर दिया। अब ये टोटल हमने कैलकुलेट किया था, ये आपको याद ही है, तो इसको माइनस कर दिया हमने, तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा, और अब जब कि यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें लगी हुई है, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड लिया था ये तो आपको पता ही है, अब बस यहाँ से ओके करिए और आपका काम हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर ये है और सीरियल नंबर ये है, तो सीरियल नंबर तो ऑटोमेटिकली आएगा। अब देखिए मोबाइल नंबर 2 करता हूँ, ठीक है, इन्होंने सामान कितने का खरीदा, 10,000 इनका रिजर्व अमाउंट है, और यहाँ पे देखिए 10,000 अपने आप आ रहा है,
कहने की जरूरत नहीं। और यहां पर आते हैं तो यहां पर मैं चेंज करता हूं, जैसे मान लीजिए इन्होंने 2000 का सामान खरीद लिया, ठीक है, तो 2000 का खरीदा और 2000 का सेलिंग रेट है, दो सामान खरीद लिया, दो 2000 का, हो सकता है अटैची खरीद लियो या कुछ ऐसा सामान खरीद लिया हो, तो ये हो गया। तो यहां पे देखिए ये जो अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम एडवांस है वो कैलकुलेट होकर आपका ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये देखिए यहां पर ये जो है ना अपने आप कैलकुलेट होकर आ रहा है। और फिर यहां पर अगर मैं जो इसका मेन प्राइस है वो लिख देता हूं, तो देखिए यहां पे ये 6000 है तो एक 3000, तो यहां पे 2500 का परचेजिंग पड़ा होगा, तो ये 2500 यहां पे आपको हाथ से लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके लिए आप फॉर्म डिजाइन कर लीजिए, फॉर्म डिजाइन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पर अलग-अलग तरह के फॉर्म आपको दिए हुए होते हैं, तो आप फॉर्म विजार्ड पे चले जाइए, मेरे हिसाब से फॉर्म विजार्ड ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर आकर के और फिर सारी चीजें करनी है, तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके का है। तो यहां पर सीरियल नंबर चाहिए तो ले लीजिए, नहीं चाहिए तो छोड़ भी सकते हैं, मोबाइल नंबर चाहिए, टोटल एडवांस अमाउंट चाहिए, और फिर यहां सेलिंग रेट, यूनिट, टोटल और जो भी चाहिए पूरा फील्ड ले लीजिए और यहां से ओके करिए। कॉलमर फॉर्म में डेटा चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए वो देख लीजिए, यहां से ओके कीजिए, मॉडिफाई डिजाइन पे जाके और यहां से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ठीक है। अब यहां पर हम ये चाहते हैं कि हम इसके लिए एक सर्च बॉक्स बना दें, ठीक है, तो सर्च बॉक्स कैसे डिजाइन होगा, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर ड्रैग करवा दीजिए, इसको ड्रैग करवाएंगे तो एक विंडो ओपन होगी, ये इसमें तीन ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माय फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू I selected in my combo box, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, यहां से नेक्स्ट पे जाइए। नेक्स्ट पे जैसे ही जाएंगे तो हम सीरियल नंबर के बेस पे खोजना चाहते हैं, मोबाइल नंबर के बेस पे खोजना चाहते हैं, किसके बेस पे खोजना चाहते हैं वो देख लीजिए, तो हम मोबाइल नंबर के बेस पे खोजेंगे, ठीक है। आप यहां कस्टमर का नेम वगैरह भी दे सकते हैं और यहां से ओके कीजिए, फिर यहां पे ये वन आ गया है, इसको हटा दीजिए और यहां से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, और फिर जब ये दिखाई पड़ेगा तो काम हो जाएगा आपका। ये मोबाइल नंबर जो है इसको थोड़ा छोटा इधर से कर लीजिए और इधर से बढ़ा दीजिए, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए और ये सब छोटा वोटा कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ा हो गया है, तो यहां से आप जा करके इसको छोटा भी कर सकते हैं, इतना बड़ा तो हमें चाहिए नहीं, तो ये हो जाएगा आपका काम बहुत आसान। और यहां पर इसका बैकग्राउंड पहले चेंज करता हूं, तो होम टैब पे जाके आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यहां पे जाइएगा तो यहां पे आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और इसका भी बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड इससे मिलता जुलता थोड़ा ये कलर रखेंगे हम, ये ठीक है। तो ये आप पूरी डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, ओल्ड कर दीजिए, बोल्ड बोल्ड हो गया, और कलर आप चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये पूरे को मैंने रेड कलर में बना दिया है। अब यहां से हमको बटन बनाना है ताकि हम जो भी डेटा एंट्री करें, जैसे मान लीजिए इनका कहना ये है कि कुछ चीजें लाइट चली जाती है, दिक्कत है लाइट की, तो लाइट चली जाती है तो मैं नोटपैड पे उसका रिकॉर्ड रख लेता हूं और फिर उसको एंटर करवाना है, तो नोटपैड से देख करके आप एंटर भी करवा सकते हैं, अपने जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे आप उसमें आप इसको एंटर भी करवा पाएंगे, तो नोटपैड पे आपने डेटा रख लिया मोबाइल में, उसको देख देख करके एंटर भी करवाते रहेंगे। तो यहाँ डिजाइन पे चले जाइए बटन बनाने के लिए, तो यहाँ बटन है ये जो एक्स 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 दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहां से आप ड्रैग करवाइए इसको, तो ये ड्रैग करवाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो आपको किस चीज का बटन बनाना है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बनाना है, तो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट रिकॉर्ड और ये टेक्स्ट रख लेते हैं हम, और टेक्स्ट रखने के बाद यहाँ नेक्स्ट करिए और यहाँ से फिनिश कर दीजिए, तो ये आपका काम हो जाएगा। ये करने के बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लीजिए, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए, फिर इस पर क्लिक कीजिए और फिर दूसरा बटन बना लीजिए ऐड अ न्यू रिकॉर्ड का, ठीक है। इसमें आप डेट वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपने लिमिटेड फील्ड दिया है तो उसी के हिसाब से मैंने तैयार कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे ऐड अ न्यू रिकॉर्ड का बटन बना लेते हैं, तो ये ऐड अ न्यू रिकॉर्ड का बटन हो जाएगा, बहुत आसानी से आप ये सारे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने इसके लिए कोई चार्ज नहीं रखा है, ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, और फिर एक और डिलीट रिकॉर्ड का बटन बना लेते हैं, और आप जितना चाहे उतना बटन बना सकते हैं, इट इज डिपेंड अपॉन यू। तो ये हो गया, और डिलीट रिकॉर्ड का बटन यहां से बन जाएगा, तो ये डिलीट रिकॉर्ड का बटन आप बना सकते हैं, कोई एंट्री गलत कर दी आपने तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे बटन पे ही क्लिक करेंगे तो वो डिलीट भी हो जाएगी एंट्री, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया हमारा काम, और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद हमें प्रॉपर्टी शीट पे जाना है, यहाँ से इसको एप्लीकेशन का रूप देने के लिए यहाँ से जाएंगे, और फॉर्म हमने बनाया तो फॉर्म पे जा करके और ये पॉपअप को यस कर देंगे, बस काम हो जाएगा आपका, एप्लीकेशन बन करके तैयार,
ठीक है, तो यहां पे क्लिक कीजिएगा तो ये देखिएगा कि ये आपका एप्लीकेशन बन गया है। अगर मान लीजिए ये दो रिकॉर्ड ही हमने लिए, यहां से आप सेलेक्ट करते हैं मोबाइल नंबर, तो ये मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया, तो जो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहां सीरियल नंबर और सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। ठीक है, आप प्रिंट करवाना चाहेंगे तो प्रिंट के लिए भी बटन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया काम। अब मान लीजिए आपको ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाएंगे, तो यहां ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाएंगे तो ये देखिए अमाउंट वगैरह सब दिख रहा है। आप यहां पे न्यू रिकॉर्ड ऐड कराइए, मोबाइल नंबर जैसे मान लीजिए ये हमने दे दिया। ठीक है, यहां पर आए अमाउंट तो आपका डिफॉल्ट दिखेगा ही क्योंकि मैंने डिफॉल्ट में दे रखा है। और कोई सामान मान लीजिए 400 का बिक रहा है तो ये 400 दे दिया यहां पे, और यहां पे 5 किसी जवान ने खरीदा तो ये 5 हो गया। और फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर देखिए परचेजिंग रेट है। ठीक है, तो एक का 400 दाम लगाए तो परचेजिंग रेट कम होगा, तो यहां पे ₹300 कर देते हैं तो ये 300 हो गया। तो इसके हिसाब से देखिए ये पूरा डिटेल आपके सामने आ गया है। ठीक है, और इसमें एक सेव का भी बटन आप बना सकते हैं। सेव का बटन कैसे बनाएंगे बताता हूं अभी, इसको पहले सेव कर लेता हूं। तो ये हमारा है और यहां से जाकर के डिजाइन व्यू पे इसको लेंगे और नीचे सेव का भी बटन बना लीजिए, सेव करने के लिए आपको चाहिए ना, तो यहां से जाकर के इसको इस तरह से ड्रैग करवाएंगे तो सेव का बटन भी इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें सेव है, ये देखिए सेव रिकॉर्ड, तो सेव रिकॉर्ड का बटन बना लीजिए। अंडो रेडो जो भी करना है उस सबका बटन आप बना सकते हैं, तो ये सेव का बटन हो जाएगा, बस हो गया काम। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा। ये हो गया, अब ये जो है सेव का भी बटन है, तो यहाँ से सेव पे क्लिक कीजिएगा ना तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। देखिए 3 रिकॉर्ड है ना, ये आ गया इसमें। ठीक है, तो अब अगर चौथा रिकॉर्ड आप देना चाहें तो ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। अच्छा, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें तो जैसे मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर जाएंगे और डिलीट रिकॉर्ड पर जाएंगे ना, तो पूछ रहा है कि क्या सही में डिलीट करना है, तो डिलीट कर लीजिए। हाँ, तो देखिएगा तो अब देखिए एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, तो यहाँ डिलीटेड दिखा रहा है। ठीक है ना, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। कोई और दिक्कत होती हो तो आप मुझसे सवाल कर ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।